लोग नहीं डेट कर रहे हैं क्योंकि ऋषभ कहीं और सेटिंग बिठा चुका है। छत्तीस आएगी, छत्तीस जाएंगी, ऋषभ वाली मम्मी लाएंगी। रिसेंटली वी कंप्लीटेड 2 इयर्स। अप्सरा उतरी है भी साक्षात। हम बहुत लकी हैं कि धरती पे पैदा किए हुए श्रेया से मिलने के लिए। इसके कलर जो था ना बिल्कुल वो नहीं होता टिकटॉक जो कर रहा था। सच बता रहे भाई, सच बोल रहे भाई। लुक क्या दे रही है, डरा के रही है। यू बेटर टेक माय नेम और आई विल किल यू। पूरे अभी तक जब से हमने इंटरव्यू स्टार्ट किया एक अच्छी बात आ रही है। हमेशा मैं अच्छा ही बोलती तुम्हारे लिए, तुम मेरी ले रहे होते हो। ये चिरकुंडा क्या बोल रहा है, ये कब बोलेगा, ये क्या कर रहा है, मेरी नजर इस पे ही रहती थी। रीड नहीं करता, घटिया है ना। इतना तो आंटी ये कहना चाहूंगी क्योंकि जो लड़का तुम लाओ उसको अंधा हुआ मेरा तो बना ही दोगी। वही लड़का लाओ तो हम वो नहीं बनना चाहते। मेरी मम्मी इसको दिल से दामाद मान चुकी है, उनको लगता है कि बस यही बनेगा हमारे घर का जमाई। भाई हमें बनना ही नहीं अंधा हुआ भाई, बोल तो रहे हैं। शादी के बाद भी कॉन्टेंट बनाना ही पड़ेगा। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी है, ज्यादा हो गया क्या? अच्छा बोला यार। वेलकम टू टेली चस्का, दिस इज छोटी मोटी रिपोर्टर। एंड काफ़ी टाइम से आप लोग भी चाह रहे थे, हम भी चाह रहे थे, तो फाइनली आप लोगों की और हमारी सबकी मुराद पूरी हो चुकी है। आज हमारे साथ ऋषभ और श्रेया साथ में है। फर्स्टली वेलकम टू आवर चैनल, हाउ आर यू गाइस डूइंग? वी आर वेरी गुड। आई एम टू वेरी गुड। और जहाँ तक बात रही रिद्धि से तो मेरी काफ़ी बार मुलाकात होती रहती है, चाहे वो सेट पे हो चाहे पहले भी हुई है हमारी बात। बट आई थिंक ये इस बार थोड़ा स्पेशल है बिकॉज मोहतरमा हमारे बीच है। मैंने सिर्फ इससे वीडियो कॉल पे बात की है और ऐसा लग रहा था कि हम ऑलरेडी मिल चुके हैं 2-3 बार। हाँ, हमें याद दिलाना पड़ा था आपको नहीं मिले। Yes. तो you know, आप दोनों का जो बॉन्ड है जो सोशल मीडिया पर दिखता है वो काफी क्यूट रोमांटिक दिखता है, लोगों के आप आइडियल कपल बन चुके हो। एग्जैक्टली क्या है आप दोनों का रिलेशनशिप स्टेटस? बिकॉज आपके फ्रेंड्स ने वीडियोस में बोला है कि ऐसी गर्लफ्रेंड सबको मिले जब आपको इन्होंने बर्थडे पे आईफोन गिफ्ट। हमारे दोस्त पागल है, पीए में रहते हैं। अब इसका जवाब तो आई थिंक श्रेया देगी तो बेटर, बिकॉज हम ऑलरेडी काफी बार इसका जवाब दे चुके हैं और रिद्धि को कभी भी मौका मिलता है तो ये क्वेश्चन जरूर ड्रॉप करती है। तो आई थिंक इट्स टाइम फॉर श्रेया। मतलब ये ऐसा है कि गोली चल रही है तो पहले तुम खाओ। नहीं, मैं डॉच कर चुका हूं उस गोली को, मैं डॉच कर मेरी लाश के ऊपर से ये निकल के जाएगा। नाउ इट्स टाइम फॉर श्रेया टू डू दैट। सो गाइस, एज यू ऑलरेडी नो, आई हैव बीन सेइंग इट अ लॉट ऑफ टाइम्स कि हम लोग नहीं डेट कर रहे हैं क्योंकि ऋषभ कहीं और सेटिंग बिठा चुका है। नहीं नहीं, इसके घर वालों ने बोला है कि वही इसके लिए लड़की ढूंढेंगे। एंड मेरी बात हो चुकी है आंटी से, आंटी ने बोला ऐसी बहू तो हमें नहीं चाहिए। नहीं नहीं, हम अपनी मम्मी से प्रॉमिस कर लिए कि अब जो मम्मी लाएंगी उसी से सेट करेंगे। 36 आएंगी, 36 जाएंगी, ऋषभ वाली मम्मी लाएंगी। 36 वाला आई एम नॉट रिलेटिंग टू, मेरी वाली मम्मी लाएंगी। तो ऑनेस्टली मैं बता दूंगी, वी आर नॉट डेटिंग, इट्स जस्ट कि हम अभी वी नॉट दैट मेच्योर इनफ कि हम अपने रिलेशनशिप पे फोकस कर पाए क्योंकि हम लोग अपना घर वर छोड़ के आए, तो हम चाह रहे हैं कि हम अपने करियर पे ध्यान दें, कुछ पैसा कमाए, कुछ मुंबई में घर ले लें, गाड़ी ले लें, उसके बाद अगर 4-5 बंगलो खरीद ले तो और छोटे छोटे 4 कुत्ते ले लें और मेड हो हमारे पास जो उन कुत्तों का ध्यान रखे तो हमारे सपने बहुत बड़े। उसके लिए जेब में पैसा होना बहुत जरूरी है गाइस, एंड प्यार से पेट नहीं भरता है। तो इसलिए वी आर टेकिंग अ टाइम। हम अच्छे दोस्त हैं बहुत, हम ऑलमोस्ट साथ में रहते हैं कि हम लोग कॉन्टेंट बनाते हैं, बट रिलेशनशिप वाइज वी बोथ आर नॉट रेडी फॉर इट। बेस्ट फ्रेंड्स हम हमेशा रहेंगे, बाकी रिलेशनशिप तो यार वैसे ही टूट जाते हैं लोग के। ओके, तो इन सब के अलावा यू नो आप दोनों की फ्रेंडशिप के बारे में जानना चाहेंगे, कहाँ से शुरुआत हुई एंड हाउ इट हैज बीन लाइक अभी तक, कितने चेंजेस है। जब फर्स्ट इंप्रेशन होता है वो अलग होता है, जब आप साथ में रह रहे होते हो, काम कर रहे होते हो, वो अलग होता है, तो उस बारे में क्या शेयर करें। सो रिसेंटली वी कंप्लीटेड 2 इयर्स मिले हुए, लाइक पहली बार जो हम लोग मिले थे, जैसे आज आप लोग मिले, हम लोग फर्स्ट टाइम आज से 2 साल पहले मिले थे मुंबई में ही, मीरा भयंदर में मिले थे। एंड उस समय हम रहते थे वाराणसी में और ये रहती थी शायद इंदौर में। इंदौर, यस, ये इंदौर में रहती थी। एंड हम दोनों एक प्रोजेक्ट के लिए फ्लाई आउट करके आए थे यहाँ मुंबई, एक नेटफ्लिक्स फ्लाई आउट करके तुम आए थे, तुमको पैसा दिया था फ्लाई आउट करने का, मुझे बोला बेटा आ जाओ बस से चढ़ के। मुझे एक्चुअली ऐसा लगता है कि डेस्टिनी ना बहुत बड़ी चीज होती है, क्योंकि क्यों इसको बुलाएंगे, मुंबई में लड़के नहीं है, इसको बुलाया, फ्लाई करवा के पैसा दिया और मुझे बोला कि आप आ जाओ। यार, और टेक्निकली एपिसोड में था भी नहीं,
भगवान चाहते थे कि इन पागलों को मैं मिलवा देता हूँ. एपिसोड में था भी नहीं एक्चुअली, मेरा कट गया था जो भी सेगमेंट था, बहुत छोटा सा था पार्ट. तो बुलाया गया हमें बनारस से, पूरा बुलाया गया हमें, फ्लाइट कराया, होटल में रखवाया इसको. उसके बाद हम सेट पे गए, तो सेट पे हम मिले वहां श्रेया से. फर्स्ट इंप्रेशन क्या था? फर्स्ट इम्प्रेशन तो वही, पहले तो हम क्योंकि इसको देखे हुए थे ऑलरेडी, ये एमटीवी का एक शो कर चुकी थी रोडीज, जो ऑलरेडी रिसेंटली हम किए, तो हम देखे हुए थे कि भाई ये लड़की थी वाइल्ड कार्ड से एंट्री हुआ. उस सीजन में मैंने भी ऑनलाइन ऑडिशन दिए थे, दैट वाज द फर्स्ट ऑनलाइन ऑडिशन एवर जिसमें ये क्रैक करके आई थी. एंड मेरा भी बहुत मन था ट्राई करने का, बट समवेयर समहाउ हम पहले निकल गए थे लोग फाइनल राउंड के पहले. आई गॉट एलिमिनेटेड. तो वही हम लोग वहाँ मिले एंड फर्स्ट इम्प्रेशन यही था कि यार ये तो वही है रोडी वाली जो बहुत बोलती है. नहीं, आते से बोला आई एम सच अ बिग फैन ऑफ योर्स, ऐसा कुछ भाई अपनी ये अग्री नहीं करेगा, सबको बता, ये कभी अग्री नहीं करेगा. बट ये आया और इसने बोला ओ यू आई हैव सीन यू इन एमटीवी रोडी, आई एम सच अ ह्यूज फैन ऑफ योर्स. वही नहीं, चल यार डोंट लाई, बनारस से हो, बनारस से झूठ मत बोलो, भगवान के नगर से हो तुम, झूठ नहीं बोल सकते. बोल झूठ बोल रहे हो तुम. नहीं बोले, फर्स्ट चीज बोले ही नहीं थी. कहा मम्मी कसम, मम्मी कसम कहो. नहीं हमें नहीं आ रहा, मम्मी कसम नहीं कर रहे होते झूठ बोल. ऐसा कुछ नहीं था, हम मिले थे, फर्स्ट इंप्रेशन ये था कि रोटीज वाली है, बहुत बकवास, बहुत करती. नहीं आते से ऐसा स्टार स्ट्रक नहीं होता है, इसकी आंखें फटी की फटी रहेगी. मेरी आंखें फटी की फटी रहेगी. भाई अप्सरा उतरी अभी साक्षात, हम बहुत लकी है की धरती में पैदा किए हुए श्रेया से मिलने के लिए. यही लगा अभी सही है, ये वाला जो है ना भाई सच निकला है. आपका क्या फर्स्ट इंप्रेशन था? मेरा बिल्कुल ऑपोजिट था, मैं कौन गति को ले. सच बोल. नहीं नहीं, उस टाइम पता है क्या था, इसके कलर जो था ना बिल्कुल वो नहीं होता टिकटॉकर जो कराते थे, वैसा इसका हेयर कलर था. तो आते से मैंने कौन है यार के ऊपर से हम लोग नेटफ्लिक्स का शूट कर रहे हैं ना, ऐसा तो नहीं इसके साथ मुझे डेट पे जाना है भाई. हम खुद का पिक्चर दिखा रहे, तो ऐसा ही था. खुद का पिक्चर नहीं, मेरे बाल थोड़े ब्राउन थे, ठीक है, थोड़े नहीं थे, ब्राउन थे. कौन सा ऐप वो टकाटक, एमएक्स टकाटक बना था तो. पर हम ये नहीं, मतलब हम कभी नहीं थे टिकटॉक, सारे ऐप्स का प्रमोशन करता है आज. ये वो वाला भी इसने वीडियो बनाया, तेरी काली काली दो अखियां. नहीं नहीं बना, नहीं बना, चलो गुड बॉय. यार ये बात करती है, ये सबसे बड़ी क्रिंज क्रिएटर थी. खैर अभी छोड़ो, भी हम लोग आई विल एग्री, अभी तुम पहले क्लियर करो इस चीज को. तो जब ये आया तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत अच्छा इंसान है, कि हमारे वाइब बहुत मैच हुआ. मेरा क्या होता है कि अगर मेरा पहली बार में किसी के साथ क्लिक हो जाए ना, तो मेरे जिंदगी भर उससे दोस्ती रहेगी, क्योंकि मेरी किसी से खटास नहीं होती, मैं लड़ती ज्यादा हूं नहीं. ऐसा कुछ भी नहीं है. हम सबसे बात कर रहे थे वहां, और भी कंटेस्टेंट थे, और भी लोग. सच बता रहे भाई, सच बोल रहे भाई, लुक क्या दे रही है, डरा के रही है. नहीं मैं कहां डरा रही हूं, सबसे इक्वली बना था. बट ये भी मैं कहां डरा रही हूं तुझे, सबसे ही बना था. बट ये ना बहुत ज्यादा बोल रही थी, मतलब एक लड़की की तो इतनी इज्जत ही निकाल ली. चल चल यार, वो लड़की पागल थी यार. तुमने उसको खूब बोल जा रही है, मतलब डायरेक्टली नहीं होता किसी की एकदम लेनी कर देना. नहीं कुछ नहीं, वो बोल रही थी कि मेरा प्रोड्यूसर के साथ अफेयर है, ये वो. तो मैं उसको जानने की कोशिश कर रही थी बस. नहीं तो जो भी इसने मतलब बोलना चालू कर दिया, शी वाज वेरी वोकल. तो मैं लगा यार इतना जिस हिसाब से बोल रही है, मतलब ठीक है, मतलब क्या ही बोले. तो फिर जमी कहाँ से आपकी? और अरे पहली बार में जम गई थी यार. अगले दिन हम लोग वीडियो नहीं, अब क्या हुआ, अगले दिन मेरा वापस शूट था और फिर हम लोग वीडियो कॉल पे बात कर रहे थे, क्योंकि इसको बड़ा इंटरेस्ट आ गया था यार, ये रोडीज की लड़की है, इससे बात करूंगा. अरे नहीं यार, वीडियो कॉल पे घूम रहा है वो भी शॉर्टलेस, इसको लगा पटवट जाएगी एप्स दिखाऊंगा तो. कसम तो बात ही नहीं याद है भाई, वरना मेरा एप्स था उस समय, क्या दिखा था मैंने देखा था.
कपड़े तो पहन लो फिर तुम बोलते हमें पता है कि फिर हम लोग अगले दिन गए थे फ्रेंड जो सारे लोग थे हाँ। एक बंदा उसमें मुंबई का था तो बोला आओ हम लोग थोड़ा चिल करते हैं चलेंगे कहीं खाने वाने ऐसे करके क्योंकि मेरा अगले दिन सुबह मॉर्निंग का फ्लाइट था तो हम लोग रात में मिले फिर हम लोग वही रात में मिले उसके घर गए थोड़ा इधर वहां पे थोड़ा हम लोग जेलअप किए वहां सबसे बातचीत हुई तो वहां लगा कि नहीं भाई थोड़ी सॉर्टेड लड़की है बट ये की जो बहुत बोलती है आप दोनों ने एक दूसरे के यू नो रोडीज और स्प्लिट्स वगैरह सीजंस फॉलो किए हैं तो जानना चाहेंगे उसमें परफॉर्मेंस कैसे लगी आप दोनों के एक दूसरे की लाइक क्या था मेरी तो बात ही मत करो इतनी प्लीज बी काइंड ओके अच्छी थी मतलब ठीक है जितना भाई दो दिन की मेहमान है दो दिन में जितना कर सकी बेचारी दो दिन नहीं मैं 10 एपिसोड में थी प्रॉब्लम क्या है एक तो मुझे समझ नहीं आ रहा एक मैं वाइल्ड कार्ड मुझे समझ नहीं आ रहा करना क्या है आज तक मैंने रोडीज देखा नहीं मैंने रोडीज मैंने स्पिचला देखा था मुझे लगा स्पिचला मटेरियल में हूं मैं जाके कंटेंट दे सकती हूं अब रोडीज मैंने आज तक नहीं देखा मैंने सिर्फ ऑडिशंस देखे थे तो मतलब मैं आई क्यों यहां पर ऊपर से वाइल्ड कार्ड मुझे समझ नहीं आ रहा ये इससे क्यों लड़ रहा है अभी तो बैठ के साथ में खाना खा रहे थे होता है ना कि साथ में बैठ के खाना खाएंगे और जैसे कैमरा और ए तूने क्यों किया मैं ऐसा तो वो मुझे बिल्कुल रिलेट नहीं किया तो मैंने बोला क्यों ना मैं गैंग लीडर से लड़ू क्योंकि उसके साथ तो बैठ के मैं खाना खा भी नहीं सकती तो मैंने उनके सर पे थोड़ा ऐसे कुछ तो देना ही है ना कंटेंट तो बस जितना मुझसे हो पाया 10 एपिसोड में मैंने किया बट उसके बाद निकलने के बाद मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि मुझे उन्होंने दिखाया विलेन जैसे बट मैं विलेन नहीं हूँ यार यार तुम्हें अपने बारे में नहीं बताना था अपने जर्नी के बारे में बात ही नहीं करनी तू मेरी बेइज्जती करे ये वही लड़के होते हैं ना जो क्वेश्चन पूछा था आंसर बोल देके फेल हो जाते हैं फेल हो चुके नहीं नहीं फेल हो गई भाई मेरी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी रहती थी सर बोलते थे ओ क्या शायरी लिखी है भी नहीं बोलते फेलियर बोलते फेलियर बना रहे थे एटलीस्ट आई एम सक्सीडिंग इन लाइफ ना अभी अभी तुमने क्वेश्चन पूछा इसको मेरी जर्नी के बारे में बताना उनको क्या लगा कि आप कुछ और अलग तरीके से बोलोगे तो उन्होंने कहा अपनी इज्जत बचा लो देखो क्या होता है दूसरा बुराई करे खुद ही कर दो ऑब्सेस्ड इंसान चलो तुम बोलो मेरी अब क्यों बोले भाई तुम्हारे बारे में बात हो गई तुम मेरे बारे में बोलो पहले नहीं हम तो अच्छा ही बोलते तुम्हारे बारे में तुम पहले बोलो कि तुम्हें मेरा जर्नी कैसा लगा देखो इसका जर्नी एकाक दो जो पहले एपिसोड में दिखी थी और जाते समय दिखी थी हमें जितना दिखी थी ऑनेस्ट चलता है जब पहले एपिसोड में आई थी क्योंकि अनाउंस हो रहा था कि पहली हमारी ऑनलाइन ऑडिशन से एक कंटेस्टेंट आया है हमारे शो में वो है श्रेया कालरा ऐसे आई नियॉन कलर का टॉप वो पहन के थे कूदते फांदते आई थी ये हमें क्लिप याद है लास्ट का उसके बाद सीधा क्लिप याद है एलिमिनेट हो रही थी ऐसे मुंह पर आके ऐसे करके कुछ ऐसे पहनी थी कुछ जलता है ये बहुत अच्छा मैंने कंटेंट दिया था गाइस हमें जो याद है वो बोल ले भाई बस बीच में एक और टास्क की थी बॉलीवुड वाला एक टास्क की थी जिसमें वो ऐसे से कर रही थी ऐसे दबंग दबंग कर रही थी तो वो हमें एक सीन याद है बस और ज्यादा ऐसा खास नहीं याद है इसका तो आई थिंक ठीक है एवरेज है एवरेज था क्योंकि इसके सीजन में बहुत सारे लोग ऑलरेडी हाइलाइटेड भी थे उस समय तो ये कह सकते हो उस इनके सीजन में आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन था इसकी सीजन में यू बेटर टेक माय नेम और आई विल किल यू अरे जबरदस्ती है क्या भाई अभी ऐसा थोड़ी है यार जबरदस्ती है क्या अच्छा श्रेया के अलावा नहीं मैं अब तू मेरा ही नाम लेगा अब तेरे पास ऑप्शन के अलावा एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया ना श्रेया बोलने तो श्रेया के अलावा आई थिंक हमें अच्छा खेला था हमिद वाज नाइस आफ्टर जैसे लॉकडाउन में जो ब्रेक हुआ था उसके बाद हमिद बहुत अच्छा खेला था एंड वो जीता भी कहीं ना कहीं वेल डिजर्व या बस इसका जो ये नाच नचनिया वाला था ये जो लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए कर देता है थोड़ा बहुत ऑनेस्टली बताऊंगी देखो स्प्लिट्सविला पे ये बहुत अच्छा दिख रहा था अच्छा इसने किया बट कहीं ना कहीं होता है पॉलिटिक्स की वजह से आउट हो गया तब बेचारा थोड़ा शरीफ था थोड़ा ट्रेंड नहीं था आई वुड से मतलब रियलिटी शो वालों को हैंडल करने के रियलिटी शो वाले क्या होते हैं बहुत स्मार्ट होते हैं वो कैमरा के सामने कुछ और होंगे और बाहर तुमसे मिलने के बाद कुछ और होंगे तो इसको समझ नहीं है कि कैसे खेलना है तो इसलिए वो आउट हो गया और कहीं ना कहीं जो इधर उधर बातें हुई वो थोड़ा इसलिए उनको लगा कि यार ये हमारी गेम को ख़राब कर सकते हैं तो इसको निकालो इसको समझ ये नहीं था कि यार ये झुंड में पहले खेलना पड़ता है आगे जाओ फिर उसके बाद अकेले खेलना पड़ता है सबका पर्सपेक्टिव होता है बट थर्ड टाइम बाद जब इसने रोडीज किया तो इसको ट्रेनिंग दी गई फ्रॉम द बेस्ट सच
यू नीड टू गिव मी लिटिल क्रेडिट. बोल रही है, अपना ओपिनियन दे रही है, फैक्ट नहीं है. चलो दूर-दूर क्या होता है, जैसे मैंने सही नहीं है जो मैंने गलतियां की रोडीज में, मैंने उसको बताई एज अ फ्रेंड कि ये मुझसे गलतियां हुई थी, तो अगर तू इस पे इंप्लीमेंट करेगा तो आई थिंक वुड बी बेटर फॉर यू. ऑब्वियसली अब ये अलग इंडिविजुअल है, मेरा किसी का बताने से ये जीत थोड़ी जाएगा. आप सभी को बता दें, आप सभी की इंफॉर्मेशन के लिए, कि स्प्रिट विला में भी ये थी, मेरी दोस्त तो थी ये. हाँ, बट मैं कहाँ गया था ट्रेनिंग कैंप, क्योंकि मैंने उस समय इनका ट्रेनिंग कैंप में क्या, क्योंकि मैंने स्प्रिट विला नहीं किया है ना. चल डॉटिंग, हाँ आप कॉन्फिडेंट हो ना कि आगे अगर आता है तो आप स्प्रिट विला मटेरियल हो. हाँ बोलो. हाँ मतलब why not. बट मतलब किसी रियलिटी शो में जाके प्यार ढूंढना तो मुझे लगता है वो मेरा पर्सपेक्टिव नहीं होगा. हम समझ गए, तुम बहुत टैलेंटेड हो. और पता ही जाएगी ना तो यही करेगी. क्या करेगी कलेश, इतनी कलेशी नहीं हूँ मैं. ओके तो नहीं नहीं, फिर मुझे एक और चीज बोलेंगे, रोडीज में इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. आई थिंक ये डिजर्व करता था. चलो एक पूरे अभी तक जब से हमने इंटरव्यू स्टार्ट किया एक अच्छी बात आ रही है. हमेशा मैं अच्छा ही बोलती तुम्हारे लिए, तुम मेरी ले रहे होते हो. आगे आगे तो इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. मुझे लग रहा था जब मैं भी इनसाइडर थी तो मैं देख के लग रहा था यार इसको जीतना चाहिए, ये बंदा यही है बस जो जीतने डिजर्व करता है. एंड जब ये नहीं जीता मैं लिटरली 1.5 घंटा रोई हूँ. और ये आप किसी से ही पूछो सेट पे, मैं ये वहाँ वोट आउट हो रहा था, मैं वहाँ खड़े हो कैसे कर, और मैं 1.5 घंटा रोई हूँ. मेरा टचअप करने के रिया मैम के जो ट्रेनिंग किया साला फिर भी नहीं जीता. रिया मैम के जो मेकअप आर्टिस्ट थे ना वो आके मेरा टचअप और हेयर कर रहे थे. बोलते कि अभी इसको शूट वूट करना है कॉन्टेंट तो हम इसका टचअप कर देते हैं. बट आई फेल्ट कि यार इसको जीतना चाहिए था. बट ठीक है, वाशु को ज्यादा उस चीज की जरूरत थी तो वो जीत गया, कोई बात नहीं. ओके, ऋषभ के अलावा आपको क्या लगता है इनके सीजन में रोडीज में कौन मतलब एंटरटेनिंग दाऊद के टक्कर का था, कौन लगता है? कोई नहीं था. इसके अलावा किसी को नहीं देखती थी उधर. मैं कहती थी ये क्या कर रहा है चिरकुंडा, ये चिरकुंडा क्या बोल रहा है, ये कब बोलेगा, ये क्या कर रहा है. मेरी नजर इस पे ही रहती थी, बाकी दूसरे तो क्या है. बाकी मुझे ऐसा लगता था कि लड़कियों में आशिका जीत सकती है, उसमें क्वालिटी है. प्राक्रम में थी बट प्राक्रम ने सारे टास्क अच्छे परफॉर्म नहीं किए थे. सो मेरा मोस्टली यार इस पे ही रहता, दोस्त है ना तो ऐसा अलग कनेक्ट रहता है कि यार ये ही जीतना चाहिए, अपना आदमी जीते. तो आप दोनों को यू नो अगर annoying habits पूछी जाए और good habits पूछी जाए वो क्या है एक दूसरे के? You go first. You have a list. annoying habit यही है कि सिर्फ अपने बारे में ज्यादा बात करती है. नंबर वन अभी जो मैंने 10 मिनट में डेवलप किया, अपने बारे में ज्यादा बात करती है, बहुत बोलती है भाई. सेकंड बहुत बोलती है, मतलब बोलने पे आगे फिर आप दुनिया की अच्छी बात कर लो, दुनिया की सही बात कर लो, श्रेया कालरा इज द बेस्ट, इतना बात करेगी. थर्ड थोड़ी सी इंपल्सिव है, रह रहे के थोड़ा घबरा जाती है, बस ये. और कोई फोर्थ कोई चीज अगर पसंद आ गई तो फिर उसको इतनी बार कर लेगी जब तक एकदम ऐसा होता है ना ये अब तो बस बहुत हो गया वाला, बार बार रिपीटेडली करेगी. हाँ इसने एक बार कोई फेशियल कराया था, स्पेसिफिक फेशियल, तो एक्चुअली फेशियल्स का रूल होता है कि महीने में एक बार कराते हो, ऐसा कोई रूल, बट इतने 15 दिन में 2 बार करा लिया और फिर उसके बाद जा रही थी कराने. तो इतना ज्यादा वो होने लगता है, उसमें ऐसा फेशियल है कि आप थोड़े टाइम बाद कोरियन दिखने लगते हो. तो एक कोरियन ड्रामा से बहुत इंस्पायर्ड थी. तो मैं क्यों फायदा नहीं हो रहा है देख ही रहा है आपको. चल चल बहुत खूबसूरत लग रही हूं गाइस, कमेंट में बताना ठीक है. बस यूट्यूबर जाके अंदर लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब. अच्छा अच्छी आदतें बताना. अच्छी आदतें ये है कि एफर्ट बहुत डालती है. अगर वो कहती है कि आपकी फ्रेंड है तो छोटी छोटी चीजों में एफर्ट बहुत डालेगी. जैसे कि अगर आपकी कोई भी छोटी से छोटी अचीवमेंट है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग भाई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, कोई पर्टिकुलर नंबर हिट हुआ 100K 200K, तो उस पर सेलिब्रेट करती है. और सेलिब्रेशन क्या होता है, ये नहीं होता कि आप पार्टी थ्रो कर दिए बड़ा. इट्स लाइक समवन इज हैप्पी फॉर यू, एवरीवन इज कमिंग टुवर्ड्स यू एंड कि भाई यू अचीव समथिंग इन लाइफ. सो ये अच्छी चीज़ है, आई थिंक दैट्स द बेस्ट पार्ट. उसके बाद और अच्छी चीज़ें क्या है, अच्छी चीज़ें ये कि बोरिंग बिल्कुल नहीं. अगर आप इसके साथ रहते हो तो जैसे मेरा क्या है ना, मेरा एक कॉन्ट्रास्ट कैरेक्टर है. 50% ऑफ टाइम आई एम वेरी हैप्पी, आई एम टॉकिंग अ लॉट. 50% टाइम आई एम वेरी इंटेलेक्चुअल, आई एम वेरी सीरियस. तो इसके साथ रहो ना तो इसका 99.99% हैप्पी मूड रहता है. तो मेरा जो वो रेंज है ना वो भी बढ़ जाता है. तो आई एम ऑल्सो हैप्पी मोस्ट ऑफ द टाइम जो भी इसके साथ रहते हैं. तो ये चीज़. और थर्ड सबसे बेस्ट
इसको कोई फर्क नहीं पड़ता उसके बारे में लोग क्या सोचते हैं, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता वो जो करती है, वो जो वर्ड्स यूज करती है, वो जिस तरह से अपने आप को एक्सप्रेस करती है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता यहाँ आप चार पांच लोग और हैं, उसको जो बोलना है बोलना, उसको पता जितना देखेगी और उसको ये नहीं फर्क पड़ेगा, ये बोलेंगे तो अरे वो क्या सोचा घंटा, उसको फर्क नहीं पड़ता, तो वही चीज अच्छी अनफिल्टर्ड है। याद हो गया क्या? अच्छा बोला यार, आई एम इंप्रेस्ड। चलो हाँ तो बोल लो मेरे बारे में कोई अच्छा बोल लो यार। यार देखो जैसे आप नहीं पहले क्वेश्चन अनोइंग है, एक बार रिपीट कर देना क्वेश्चन क्या। अच्छा बुरा दोनों। अच्छा बुरा दोनों। हाँ चल बता रही हूँ, मैं इंजीनियर स्टूडेंट है, मैं 2 मिनट चल। 12th में मेरा 90.6% था, अवार्ड भी मिला है। आप 96% वाले से बात कर रहे हो? 96 फिर भी तो यही है और मैं भी यही है, तो टेंशन मत ले, तू नेशनल लेवल वाले से आ रहा है, समझे समझे रेफरेंस तो मीम लगा देंगे। तो अच्छी आदत जो इसकी है, बहुत अच्छी आदत है ऑनेस्टली, बहुत दिल का साफ बंदा है इसको, मतलब मतलब के लिए नहीं दोस्ती करता, क्योंकि बहुत होता है ना जैसे आप कहीं ना कहीं हम लोग के फॉलोअर्स हैं या थोड़ा बहुत फेम है, तो बहुत लोग मुझे ऐसा लगता है कि यार फेम के लिए बात कर रहे हैं या स्टोरी डलवानी होगी उसलिए कॉल किया है, इसका ऐसा रहता है ये दिल खोल के करेगा और ये इतना नहीं करेगा कि यार इसने मुझे इतने का गिफ्ट दिया तो मैं इतने का दूं, ये जो इसको लगेगा ये उतना करता है, ये बहुत केयरिंग है, अगर इसकी गलती होगी तो सॉरी बोल के ये फ्लावर भी ला के देता है। भाई सॉरी कैसे बोलेगा तू? और सबका अपना तरीका होता है यार सॉरी बोलने का, मेरा तरीका यही है, हमें लगता है ऐसे सॉरी समझ में नहीं आता, होता है अगर मान लो रिद्धि है, हम बोले रिद्धि आई एम सो सॉरी, इवन दो हम बोले पूरे दिल से बोले कि एक्टर ने यार इमोशनल रो के बोल देंगे, बहुत बड़ी बात नहीं है, वेटेज नहीं आता, जब कहते हो ना रिद्धि हम ये तुम्हारे लिए आई एम सो सॉरी दिल से सॉरी, तो वो जो गहराई में जाता है, एक स्टेप आगे तो जाता है, 10 पॉइंट तक जाता है, 12 पॉइंट तक जाता है। गाइस टिप्स ले लीजिए प्लीज, ये जो ग्रीनेस्ट फ्लैग के वो है, तो ये चीज होती है, आप जितना भी सॉरी बोलो, जब किसी चीज के साथ किसी टोकन के साथ आप किसी को सॉरी बोलते हो ना, तो सॉरी एक्चुअली सॉरी होती है, लगता है सामने वाले को, भले ही मेरे को अभी तेरी तारीफ करनी है यार, अच्छा है गाइस। हां तो ये दिल से बहुत करता है, इसके दिल में किसी और के लिए कुछ रहता नहीं है, बेनिफिट ऑफ डाउट देता है, ऐसे मैं क्या होती हूँ यार इसने यहाँ प्लेट रख दी ना, अब ये ऐसी हरकतें करेगी, ये यही करेगी, बोलते हैं श्रेया वो तुम्हारे लिए इतना कुछ कर चुकी है पहले, यू नीड टू एड्रेस दैट ऑल्सो, मैं सारी चीजें भूल जाती हूँ, अरे ऐसी जाती मेरे दिमाग, हाँ यार मेरे को नहीं खेलना है, बैड हैबिट नंबर 5, इसके साथ क्या है ये पुरानी चीजें याद नहीं रखती है, फॉर एग्जांपल अगर तुमने अभी कुछ मिस्टेक कर दिया ना या किसी ने कुछ कर दिया तो उसको एकदम चढ़ जाएगी, मतलब पूरा अरे इंसान है यार, अभी कुछ हो सकता है, कुछ बोल दिया हो कर दिया होता है ना ऊपर नीचे, उसने पहले हेल्प भी किया है तुम्हारा, वो भी तो याद रखो यार, मेरे से गलती हो गया मैं इधर आई, नहीं देते किसी को मेरे से गलती हो गया मैं इधर आई घर से तैयार होके इधर आई, तो हाँ और क्या, अच्छा इंसान है, अच्छी तमीज है, लैंग्वेज बहुत अच्छी है इसकी, बहुत तमीज से बात करता है, और मतलब मेरी फैमिली भी आती है, मेरी मम्मी भी आती है, वो इसके साथ इतना चिल करती है, एक वीडियो हमने बनाया था साइकिल पे मेरी मम्मी को लेके घुमा रहा था, जबकि मेरी मम्मी बहुत ऐसी होती है क्या लड़कों से थोड़ा ऐसे, क्योंकि पापा थोड़े है स्ट्रिक्ट है ना, तो बट इसके साथ बहुत मतलब चिल मार रही होती है, अरे मैं कुछ भी मेरी बुराइयां कर रहा होता है मम्मी से बैठ के, भाई मैं तो टूट गया, तो मतलब बहुत फैमिली वाला बंदा है ये, फैमिली से बहुत ध्यान रखता है, फैमिली के लिए बहुत करता है, एंड परफेक्ट। बुरी आई थिंक इतनी सारी चीजें तो नहीं है, एक चीज है कि ये लेजी है, ठीक है, जो इसको काम करना है जो इम्पोर्टेंट है वो उसको पता नहीं होता है, कि उसको पता है ये प्रायोरिटी पे है, बट वो चीज नहीं करेगा, घर साफ करने लगेगा कि घर साफ कर लेता हूँ उसके बाद वो काम निपटाऊंगा, बट वो काम 2 दिन बाद निपटता है, तो ये चीज है जो इसकी बहुत मुझे इरिटेट करती है। दूसरा ये मतलब जा है अभी उसे 4 गुना आगे हो सकता है, बट जस्ट बिकॉज ये थोड़ा मैनेज नहीं कर पाता चीजें, उसकी वजह से थोड़ा ऐसा रहता है कि यार एक ऑडिशन था, आई थिंक ये रिश्ता क्या कहलाता है, ऑडिशन में भी ये 4 महीने तक ऑडिशन नहीं भेजा, और जिस दिन भेजा ये कॉन्ट्रैक्ट इसका साइन हो गया, तो इसका भगवान ना इसके साथ बैठे हैं, मतलब वो है इसके साथ। 4 महीने पहले ऑडिशन आया था, दिए ही नहीं, और लीड के लिए आया था अरमान की जगह, और अगर पता नहीं हमें एक्चुअली ऑडिशन आया था, वो बोले कि बहुत मेजर है, हाँ। और स्टार प्लस के लिए, हाँ। उन्होंने डिस्क्लोज नहीं किया कि ये रिश्ता का है, ठीक है, जो बंदा हमें भेजा, ठीक है यार आता रहता है,
दे देंगे, बट वही फिर बाद में जब हो गया ना तो बोला भाई ये रिश्ता का ऑडिशन तो मुझे आपने कब भेजा ये रिश्ता का ऑडिशन, जो बंदा कोऑर्डिनेट कर रहा था बोला आपने कब भेजा ये रिश्ता, बोला भेजा तो हमको वो तो ऐसे स्टार प्लस को भेज दे, वही तो है ये रिश्ता का, दो ऑडिशन भेजा था चल वो एक लॉक हो गया दूसरे वाले का भेज दे, बट तब तक राजन से मेरा रेफरेंस दे दी तो ये है। और तीसरा आई थिंक ये होगा कि कभी कभी फालतू बातों पे चिढ़ जाता है और फिर इसको कुछ इंसिडेंट, इंसिडेंट तो मुझे याद नहीं है कि एक्सप्लेनेशन देंगे कैसे, देखो मेरा मेरा ना फालतू हाँ, बात पे नहीं चिढ़, मतलब कोई बात मुझे अगर नहीं समझ आ रही ठीक है तो मुझे दो बार समझाओ तीन बार समझाओ, शायद मैं उस चीज से वाकिफ नहीं हूँ कि वो मुझे जल्दी समझ आ जाएगी, बट नहीं ये आपको पागल बेवकूफ महसूस करा देगा और उस पर खुद ही चिढ़ करेगा यार तो तुम्हें तो बार बार बताना पड़ता है यार छोड़ो देखो प्रॉब्लम क्या है फॉर एग्जांपल प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये लड़की है वो तो है ही मेजर, सेकंड ये है कि मान लो कोई चीज ने बोला कि यार ऐसे चीज करनी है, हम कहे देखो ये करोगी तो ये गलत है इस तरह से करो और उसका रीजनिंग भी दे दिया कि व्हाई यू हैव टू डू दिस वे ओके, और वो एक्चुअली सही तरीका हमें लग रहा है ठीक है, फिर कुछ ना कुछ बोलेगी फिर वही बात करेगी, हम कहे नहीं ये सही तरीका है इसलिए 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 वापस एक्सप्लेन किया दूसरी तरीके से, फिर ये वही बात करेगी नहीं यार ऐसे करते हम कि नहीं यार ये करो जब चौथी बार में ऐसी तैसी जो करना करो, वो क्या होता है बचपन में जब हम छोटे रहते हैं हाँ। अपने पापा मम्मी से बार बार पूछते हैं पापा वो क्या है, तो पापा बोलते कौआ है, फिर हम वापस बोलते पापा वो क्या है, अगले दिन भी बोलते कौआ है, फिर जितनी बार भी बोले पापा मम्मी बताते हैं, पर जैसे हम बड़े हो जाते हैं और पापा मम्मी पूछते हैं हमसे क्या बेटा ये वाले वर्ड को क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं रिपोर्टर बोलते हैं, फिर वो दूसरे में पापा कल ही तो बताया था रिपोर्टर बोलते हैं, तो इसका यही प्रॉब्लम है ये मुझे बच्चे से ट्रीट ही नहीं करता, घटिया इतना वाहियात एग्जांपल भाई लाइफ में इतने तुम दे नहीं पाते एग्जांपल, ये भी प्रॉब्लम नंबर 6 एग्जांपल नहीं दे पाती फालतू एग्जांपल दे आपकी मम्मी के साथ है ना उनका बहुत अच्छा लगता है उनके साथ चिल करते हैं, तो क्या आपकी मम्मी ने एज अ दामाद इनको अप्रूवल दिया है, मेरी मम्मी तो बोल रही है जिससे भी करो कर लो अब शादी करके निपटाओ उनका हो गया, वो बोल रही है कि तुम करोगी भाई, हम तो एकदम सोबर है सरल है भाई, हम तो नहीं कर पाएंगे भाई अंधे गूंगे पहले क्राइटेरिया में हम तो नहीं आते भाई क्या है मेरा छोटा भाई है तो मम्मी या तो आंटी ये कहना चाहूंगी क्योंकि जो लड़का तुम लाओ उसको अंधा गूंगा मेरा तो बना ही दोगी वही लड़का लाओ तो हम वो नहीं बनना चाहते, आई डोंट वांट टू बी दैट पर्सन यू नो, जितना सबको लगता है हम दोनों का सीन है अभी तेरे को मिलेगी भी नहीं कंफर्म किया है वो होता है ना बट की बेस्ट फ्रेंड के साथ इतना आप रह लेते हो बॉयफ्रेंड बनता ही नहीं यही सिचुएशन है, मैं किसी भी लड़के को बोल रहा हूँ मेरे साथ चलो तो बोलते हैं वो कहाँ है वो तो तेरा बॉयफ्रेंड है ना दामाद मान चुकी है उनको लगता है कि बस यही बनेगा हमारे घर का जमाई भाई हमें बनना ही नहीं अंधा भाई बोल तो रहे बनना ही नहीं मिठाई खिलाएगी रिजाइनिंग मिठाई खिलाएगी मिठाई खिलाएंगे तो कुछ भी मिठाई के लिए कुछ भी भाई गोल डिगर है मिठाई डिगर है मिठाई डिगर मिठाई डिगर अच्छी मिठाई खिला दो आई एम गुड चलो इन सब के अलावा यू नो बिग बॉस कितना फॉलो कर रहे हैं ऋषभ तो कर ही रहे आप हाँ। कितना कर रहे हैं आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है क्या शेयर करेंगे ऑनेस्टली मैंने स्टार्टिंग में देखा था जब समर्थ आया था तो ऐसा लग रहा था कि कुछ बवाल हो रहा है बट ऑनेस्टली अब मेरा ना इंटरेस्ट खत्म हो चुका है मुझे मजा नहीं आ रहा है देखने में बट जितना मैंने सुना है कि वो होता है जैसे हम पहले देखते थे बिग बॉस तो ऐसे लगता था यार ये फेवरेट कंटेस्टेंट है वो अचानक से लगता था यार इसको देखने के लिए मुझे मोबाइल खोलना है अपना एक घंटा वेस्ट करना है हर रोज बट वो इस सीजन में वाइब नहीं आ रही है सही कह रही है मेरे साथ yeah. हम देख रहे थे स्टार्टिंग में और स्टार्टिंग में जो अभिषेक का ईशा का उनका एंगल चल रहा था आई वांटेड टू सी कि मुनावर क्या कर रहा है वांटेड टू सी कि तहलका क्या कर रहा है एंड अंकिता क्या कर रही है विकी क्या कर रहे हैं और इवन नील भी क्योंकि हमारे इंडस्ट्री से है नील और ऐश्वर्या हमारी इंडस्ट्री से है
तो देखना तो ये लोग कर क्या रहे हैं, पर अभी पता चल गया कि ये लोग एक्चुअली कुछ नहीं कर रहे हैं। और फाइन भी तो नहीं है। जो भी उसका हुआ वो तो हम बताए थे, ब्रीफ हम देख लेते हैं, बट हम इंटरेस्ट नहीं है कि पहले होता था ना कि ये मेरा फेवरेट है ऑटोमेटिक, यू डोंट हैव टू फाइंड आउट कि हम लोग को ना इवैल्यूएट करना पड़ता है कि ये ज्यादा फेवरेट है, ये ज्यादा अच्छा है, ये अच्छा है। नहीं मतलब ऐसे विनर क्वालिटी में भी नहीं लग रहा है किसी में कि यार इसको तो जीतना चाहिए, डिजर्व करता है, कोई भी नहीं लग रहा है अभी फिलहाल। एंड ऑल्सो इट्स नॉट इवन फन टू वॉच, दे ऑलवेज फाइटिंग। मतलब चलो ठीक है, आई गेट इट, रियलिटी शो है, आपको लड़ना पड़ता है या कॉन्टेंट देना पड़ता है, बट एटलीस्ट गिव अस फन मोमेंट्स टू वॉच ना। हम लोग अगर एक घंटा देख रहे हैं उसको, तो हम भी चाहेंगे कि यार हम सिर्फ लड़ाई झगड़ा ना देखें, हम मस्ती मजाक भी देखें, क्योंकि वो जो हम चीज देख रहे हैं इट्स मेकिंग अस हु वी आर राइट नाउ। सो दैट्स द ओनली पर्सपेक्टिव। तो किसका नाम लूं अभी? अपनी तरफ से तो हम यही कहना चाहेंगे कि इसी तरह प्यार देते रहिए, बिकॉज़ हमारे जो ऑन स्क्रीन जोड़ी है उसको आप लोग बहुत ज्यादा प्यार करते हो, दैट्स व्हाई वी ऑलवेज ट्राई आवर बेस्ट कि हम सब और ज्यादा कंटेंट के साथ आ सके, चाहे वो लॉन्ग वीडियो हो चाहे शॉर्ट वीडियो, एंड इवन इंटरव्यूज फॉर दैट मैटर। तो हम लोग ट्राई करते हैं अपने एंड से, एंड वी आर लाइक दिस ओनली, सो अपने लिए हमारी लाइफ कॉन्वर्सेशन ही आप लोगों के लिए कंटेंट हो जाती है टेक्निकली। सो वी एंजॉय टॉकिंग टू ईच अदर, वी एंजॉय बीइंग कैंडिड एंड फन। सो आप सब इतना प्यार देते हो, इसी तरह प्यार देते रहिए, एंड हम लोग इसी तरह सभी को हंसाते रहेंगे। और ऐसे आप प्यार देते रहे, क्या पता मैं इसको कन्विंस कर लूं शादी के लिए, क्योंकि शादी के बाद भी कंटेंट बनाना ही पड़ेगा। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल थोड़ी है। किडिंग यार, किडिंग, ओके, जस्ट जोकिंग। आपका बात करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। कैजुअली है, मेरा जिंदगी भी कैजुअल है। तो गाइस, इतना प्यार देने के लिए आई नेवर थॉट कि जब मैंने ये स्टार्ट किया था कि इतना प्यार मिलेगा हम दोनों को। हमने ऐसे ही रैंडमली वीडियो बना दिया था, एंड जो भी इंस्टाग्राम पे प्यार है, जब भी हम कुछ डालते हैं, कुछ भी हो, ब्रांडेड कॉन्टेंट भी हो, तो वो चल जाता है। तो मैं समझती यार ये तो इतना अच्छा भी नहीं था, फिर भी आप लोग इतना प्यार दे रहे हो, सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल एंड थैंकफुल। ऐसे ही आप हमें प्यार देते रहो, और ऐसे ही हम लोग आपके लिए हर रोज काम करेंगे, हर रोज मेहनत करेंगे। थैंक यू। थैंक यू।